स्वागत है फिर से नए ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूँ स्कल्पटिंग के बारे में, जो ब्लेंडर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पहला जो स्कल्पटिंग एक 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो फंडामेंटल था, बेसिक टूल। मैं आज इसमें बनाने की कोशिश करेंगे एक कार्टून कैरेक्टर का फेस विदाउट लाइक एकदम ऑन थिंकिंग की माइंड में मेरा जो चल रहा है उसके हिसाब से। इसमें मेरा मेन कंसर्न होगा कि मैं आपको टूल्स के बारे में समझाऊं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, और जो भी मेरे माइंड में जो इमेज बना है कि उस कैरेक्टर को मुझे बनाना है, अदरवाइज आपको कोई रेफरेंस मिलता है तो बेटर होगा, आप रेफरेंस लेके चलो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रेफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जस्ट हेल्प मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसका ब्लेंडर का कुछ न्यू फीचर्स भी आए हैं जो स्कल्पटिंग से रिलेटेड है, प्लस अपने हिसाब से मैं कैसे यूज करूंगा। तो चलो इस पार्ट में मैं वही देखने जा रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे जंप करूंगा स्कल्पटिंग मोड पे, और चलो हमने स्कल्पटिंग मोड पे आ गया। तो जैसा कि इंटरफेस के बारे में मैंने बेसिक एक बार एक पार्ट बना के दिया था, जो आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कैसे यूज करते हैं, लेकिन आज मैं एक प्रॉपर वे में एक कार्टून का फेस बना के दिखाने की कोशिश करूंगा डिटेल में। देन आफ्टर दैट पेंटिंग भी देखेंगे, तो हो सकता है कि एक दो पार्ट हो सकता है स्कल्पटिंग पेंटिंग, जो वर्टेक्स और स्किन पेंटिंग में करूंगा इसके ऊपर। तो चलो ये मॉडल बिल्कुल कार्टून लेवल का होगा और हम उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक स्फीयर होता है, और इंटरफेस बताने की जरूरत नहीं, मैं अलग अलग ब्रशेस को मैं यूज करूंगा, उसके हिसाब से कितना कैसे मैं इसको कंट्रोल करने वाला हूं तो आपको देखना है। अगर एक मैं फ्रेंकली बताना चाहता हूं एक बात, कि ये स्कल्पटिंग का सिर्फ टूल आपको जानना काफी होता है, आफ्टर दैट जो करोगे वो आपका आर्ट ग्राफ होता है इसके ऊपर, कि आप कितना आर्टिफिशियल सोचते हो। जैसे कि आपको एक क्ले दे दिया गया है मिट्टी की तरह, एक जस्ट उसको इलास्टिक करते हुए आप उसको पूरा फेस को कन्वर्ट करते हो, डिफॉर्म करते हो अपना शो के हिसाब से। तो ये अपना एक ऑन थिंकिंग होता है, जो आप कंसेप्ट के बारे में कितना सोचते हैं और कितना आप अच्छे से स्कल्प कर सकते हो। तो चलो मैं तो टूल बताते हुए एक फेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कार्टून का, और चलिए देखिए और कोशिश कीजिए इसको सीखने का। तो टाइम टू टाइम मैं इसको स्पीड में भी, वीडियो बीच बीच में होगा तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे जो अननेसेसरली एक ही टूल को मैं अगेन अगेन यूज करता हूँ, तो बार बार उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको भी बोर होगा प्लस मुझे भी बताने में थोड़ा सा ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से इसका शॉर्टकट की VUR को मैं ऑन कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो, ताकि आपका शॉर्टकट एक्टिविटी जो भी होगा आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, दैट्स वाई मैंने इसको ऑन कर दिया। तो चलिए पहला जो ब्रश, जैसे मैं स्कल्प करना शुरू करता हूँ और मैं फ्रंट व्यू पे वाई प्रेसिंग 1, तो मुझे ये पता चलता है कि इसमें एक्सिस जो लेफ्ट राइट प्लस माइनस की तरफ जाएगा, तो मैं एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल को ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारा ये सिमेट्राइज एवरीथिंग हो गया। तो सबसे पहले जो बेस होगा इसका हेड का, मैं अगर हेड से शुरू करना चाहता हूँ तो बिफोर दिस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको शुरुआत में ही आप डायना टोपो में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक स्फेयर से पूरा बॉडी शेप बनाना और जो जितने भी इसमें डेप्थ होंगे उसको कंप्लीट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो मैं इसका टोपोलॉजी को अपने हिसाब से डायना टोपो कर देता हूँ, ताकि वो जितना मैं इसको पुश एंड पुल करूँ उसके हिसाब से नया फॉर्म जनरेट हो जाए, जैसा कि मैंने पहले इसके बारे में बताया था। एक्चुअली होता है क्या, जब मैं इसका ये देखूंगा यूवीज, लाइक इसका जो वाई फ्रेम में देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जो भी वाई फ्रेम में आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं एक्स एक्सिस को ऑन कर लेता हूँ ताकि इसका सिमेट्रिकल ऑन हो, और जूम करके देखो तो इसका जितने भी डिविजन्स है बिल्कुल क्वाड मिल रहा है और एक प्रॉपर टोपोलॉजी में मिल रहा है। ये टोपोलॉजी को यहाँ पे हम रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, मैं इसको डायना टोपो को ऑन करता हूँ। जैसे मैं डायना टोपो ऑन कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ अगर कोई इसके ऊपर ब्रश चलाने का, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया मेश क्रिएट हो रहा है, और जैसे जैसे मैं जूम करूंगा उसके हिसाब से इसमें डायना टोपो इसका ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा कि आप कितना डिटेल में आप कर सकते हो। तो इसका मैंने पहले भी इसका यूज देख चुके हैं, और इसके ऊपर हम जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे अभी ये जो सब डिविजन टाइप है, रिलेटिव डिटेल्स है, अलग अलग इसमें आपको मिलेगा,
सेटिंग्स इसमें होता है रिलेटिव में आप जाओगे, इसको कांस्टेंट चाहिए। मैं अगर जूम इन जूम आउट करता हूं तो उसके हिसाब से इसका मेस कंट्रोल होते हैं। तो ये भी एक, कभी कभी आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो ये भी करना एक अच्छा बात होता है कि आप जितना भी आप जूम इन जूम आउट करके आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ये भी एक, आप ज्यादा एक्सपर्ट होकर के इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जूम इन जूम आउट का, और उसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें स्कल्प करना होता है। तो अगर आपने ये डायनाटोपो को अच्छे से यूज करना समझ में आ गया तो मतलब कहीं दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं शिफ्ट कंट्रोल जेड करके इसको बैक चला गया, और फिर से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको डायनाटोपो को ऑन कर दो। ये डायनाटोपो आप ऑन करने के लिए आपको वही ऑप्शंस यहाँ भी मिलेंगे, सेम है, यहाँ से जा सकते हो, ओके, या आप सेटिंग्स में जा सकते हो, इधर भी मिलेंगे आपको टूल्स के अंदर, ओके। तो सेम थिंग्स है, अगर अलग अलग तरीके से करने का यहाँ पे आप यूज करो जो आपको कंफर्ट लगता है। यहाँ भी डायनाटोपो देख रहे हैं सेम है। तो आई प्रिफर कि मुझे जो कंफर्ट लगता है, या तो मैं इधर कंफर्ट रहता हूँ या हम यहाँ से भी करते हैं कि एट ए टाइम जो टूल्स मिलता है। तो डायनाटोपो में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिलेटिव की जगह आप कर दो कॉन्स्टेंट डिटेल, कि मतलब आप जूम इन जूम आउट करो हमेशा एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे मिलेगा, जो भी मेस फ्लो यहाँ पे रिक्रिएट होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो डिविजन्स का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे डिविजन का लेवल हम बढ़ाते जाते हैं, आप देखोगे 3 लेवल पे हमें जो पॉलीगन्स मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत कम लेस कर रहा है। मैं अंडू करता हूँ, अगर मैं इसका परसेंटेज बढ़ा देता हूँ लगभग इतना, तो आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा डिविजन आपको इक्वल मिल रहा है लगभग। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ता हूं आगे, तो आप यहां पे देखोगे कि आपका डिवीजन इनहेंस करेगा, ज्यादा बढ़ रहा है डिवीजन। सो फर्स्ट आप डिसाइड करो। तो अभी स्टार्टिंग का अगर मैं 60% लेके चलता हूं तो ये अभी इनफ होगा इतना, तो इसको मेंटेन करने के लिए। या आपको लगता है कि नहीं 60 से कम, मैं अगर 40 से स्टार्ट करता हूं तो इससे क्या होगा कि आपको लो पॉली में सारा कंट्रोल होगा, इसको स्मूथ वगैरह करना भी इजी पड़ेगा। तो जैसा मैं सजेस्ट करता हूं वैसे अगर आप काम करने की कोशिश करें। और अभी डायनामिक्स में कन्वर्ट होता है इसको, हम वायर फ्रेम से बाहर निकल जाएंगे, और वैसे भी स्मूथ मोड में है। फिर आप इसे एक्सरे मोड, ये इसका सिमेट्रिकल ऑन कर लो, और आप देखोगे कि दोनों तरफ से इक्वली ऐसे स्कल्प्ट होंगे। तो चलिए ये इतना तो आई थिंक आपको याद हो गया। अब चलो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ बाय प्रेसिंग वन फ्रंट व्यू में, तो हम देखते हैं कि फेस का जो एक्चुअली जो ये स्फेरिकल शेप है वो डिपेंड करता है कि आपको कैरेक्टर कैसा बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर का फेस थोड़ा सा स्फेरिकल एंड थोड़ा सा एक जो बेसिक शेप्स होना चाहिए वो होगा। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल्स है जिसमें मैं अभी जो यूज करूंगा, आप देखो ये कलर वाइज है। तो इसका मतलब होता है जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फिर से उसको रिकैप कर सकते हैं। ये जितने भी येलो कलर का दिख रहा है मतलब ये एक अलग ग्रुप है, ये रेड रेड जो दिख रहे हैं इसका एक अलग ग्रुप है, और ये ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है इसका अलग ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप वाइज किया हुआ है, सारे ब्रशेज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो चलो एट ए प्रेजेंट जो मैं ब्रशेज यूज कर रहा हूँ उसको मैं देखता हूँ। तो ये ग्रैब ब्रश है, इससे मैं ग्रैब करूंगा, और एक प्रेस करते हैं तो ब्रश का साइज बड़ा होता है। तो हम एक सिमिट्रिकल ऑन रख के अगर मैं फेस का थोड़ा सा फ्रंट से मैं कोशिश करता हूँ कि फेस का जो शेप होगा कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है, और वो से सिंपल हम बनाते हुए जाएंगे कि मैक्सिमम जो एक रिक्वायर्ड शेप है वो आप एक बेसिक अभी लो पॉली पे आप उसको बेसिकली बनाने की कोशिश करेंगे। कि लो पॉली में जो हमारा कैरेक्टर का फेस होगा जैसे एक जेनरिक, वैसा मैं बनाने का एक बेस शेप करूंगा इस टाइप से कुछ जाके यहाँ। तो ये यह अभी मैं फ्रंट पे हूँ, जैसे थ्री प्रेस करता हूँ तो मैं एफ साइड में चला गया। अब मैं इसको देखूंगा कि इसका जो जॉ वाला पार्ट होगा वो जॉ वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे फनी टाइप का मैं करना चाहता हूँ, कि ये फनी टाइप का ऐसा करेक्टर हो, समथिंग लाइक दिस। फिर आप इसको थोड़ा सा आप बेसिकली आप जितना भी रिशेप करना चाहते हो कि जो कैरेक्टर आपका है वो ऐसा रिशेपिंग में जाएगा साइड साइड से, और लुक ऐसा हम रखते हैं समथिंग इस टाइप का एक बेस शेप। और फिर से आप घूम के आप फ्रंट पे जाओगे
और तो आप देखेंगे कि जब भी ये चीन वाला पार्ट होगा थोड़ा सा स्लोप्ड होगा इधर की तरफ, तो आप इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ट्राई करो उसको बनाने का, उसके हिसाब से जो ओवरऑल इनके शेप्स होंगे समथिंग ऐसा। और चलो ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यू ट्राई करेंगे इसका जो फेस का एक्चुअली जो शेप्स होंगे, जैसे नीचे से हम देखेंगे तो इसको ऐसे यू शेप में लाने की कोशिश करते हैं आगे का जो फेस होगा। सो डू दैट, देन ओवरऑल हम ये भी देखते हैं कि इसका आईज का पार्ट कहाँ पे होने वाला है, जो आईज होंगे इसके। तो अलग अलग ब्रश लेते हैं, ये आपने देखा कि ये पुश कर रहा है ब्रश, कुछ ब्रशेज हैं जो इनफ्लैट इनसाइड और आउटसाइड कर सकते हैं। जब मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पे ब्रश चला रहा था होल्ड ऑन शिफ्ट, तो ये स्मूथ ब्रश यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है बाय प्रेसिंग, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इसको स्मूथ करते हो, इट्स ओके। तो चलिए फिलहाल मैं इसको मूव टूल पे ही मैं थोड़ा सा और इसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता हूँ, कि थोड़ा सा इसका जो चिन होगा प्लस ए एरिया में होगा आइस का जो पार्ट होंगे वो, ठीक है ऐसा कुछ, और समथिंग ऐसा हम इसका फोरहेड का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये एरिया बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है, सो व्हाट हैपेंड, इसको पहले तो अंडू करता हूँ मैं, इसको ज़्यादा चला गया तो देन इसके लिए आप इन फ्लाइट लो और इसका ब्रश का साइज बाय प्रेसिंग एफ छोटा करेंगे, और यहाँ पे ये जो आइज का सॉकेट होगा वहाँ पे बाय प्रेसिंग कंट्रोल, और धीरे धीरे इसको यहाँ पे ब्रश को ऐसे आपको प्रेस करके ड्राई करते रहो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा आइज का एरिया का शेप बन जाती है। ये चिक बोन निकलेगा, तो हम ये चिक बोन के बारे में देखते हैं कि यहाँ से होगा, नोज का जो पार्ट होंगे ये यहाँ से डेवलप होगा, तो लगभग मैं इसका एक बेसिक शेप्स बनाने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ से एग्जैक्टली। यहाँ से जो आई का जो पार्ट होगा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट शुड लिक्विड लगभग आगे थोड़ा सा निकलेंगे यहाँ तक, और इस पार्ट को अगर मैं फ्लैट करते जाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, आप देखोगे कि इसका चिन का जो शेप्स होगा ऐसा कुछ हम बनाते जाते हैं समथिंग ऐसा। सो लाइक दिस, अभी मुझे अभी चाहिए कि ये फेस बहुत ज़्यादा नैरो हो रहा है, प्लस इसका जो लाइक जो जॉ होगा, जॉ पार्ट यहाँ से आएंगे, इसको थोड़ा सा आप इस एंगल पे निकाल लो, दिस वुड बी जॉ जॉ पार्ट, जॉ का जो शेप्स होंगे ये करीब करीब यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, तो अब सॉरी प्लस ये जो शेप्स होंगे बिल्कुल फ्लैटन होता है, तो चलो हमने यहाँ से लिया ग्रैब ब्रश को थोड़ा सा लेके इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सो जस्ट मेंटेन लाइक दिस, कि ये आगे का शेप कुछ इतना ब्रॉडिंग होगा इधर से, और ये जो बीच का पार्ट है समथिंग ऐसा आप फिर स्नैप कर लो, मतलब थोड़ा सा इसको मेंटेन करके, और अब देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज है, अगर मैं इस ब्रश को चूज किया, ये क्ले स्ट्रिप्स के लिए होता है, जैसे इसका एक जस्ट एक तरह का क्ले स्ट्रिप आपको बनाना शुरू करता है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए कैसा रिक्वायर्ड है इसके हिसाब से, अगर मैं थोड़ा सा शेप इसको रखने की कोशिश करता हूँ यहाँ से आईब्रो के लिए, जो ऊपर का आईलाइन होगा प्लस ए यहाँ तक यहाँ से मिलेगा, और चलो इसको ट्राई करो थोड़ा सा स्मूथ करने का बाय प्रेसिंग शिफ्ट, तो ये आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा स्मूथनेस का अमाउंट बढ़ा हुआ है ब्रश का स्ट्रोक, तो अब कम करके भी आप धीरे धीरे इसको स्लाइटली इसको हैंडल कर सकते हो समथिंग ऐसा। और यहाँ पे अगर मैं इसका लाइनअप के लिए हम चाहते हैं क्रीज किस किस एरिया पे समथिंग ऐसा क्रीज करना है, ये क्रीज करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है जो भी हम मेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ऐसा कुछ, एंड इसे आप थोड़ा सा ऐसे सेप मिला लो यहाँ पे, और चलो आगे का हम काम करेंगे इसमें कि क्या करना है हमें, ब्रश का साइज थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इसको आप थोड़ा सा मेंटेन करो, और यहाँ पे जो इसके आईज का जो शेप्स होंगे, सो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दिस सेलेक्टेड इन फ्लाइट टूल, और यहाँ पे एक बार इन फ्लाइट करो पूरी तरह से
जो आई का एरिया होगा ऐसे हम डेवलप कर लेते हैं आईज के लिए, बट जितना हमें नीड है उतना एक राउंडिटी हम प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ से कुछ ऐसा। सो लाइक आप इसको अगर आप ऐसे रखते हो इस तरीके से जाओगे और थोड़ा सा इसको मेंटेन करो, ओके। फिर यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चाहिए इसका चिक बोन का प्रॉपर शेप्स, देन सॉरी यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे रहेगा चिक बोन आपका करेक्टर का ऐसा लाइक इस टाइप से। थोड़ा सा मैं इसको बाय प्रेसिंग एफ ब्रश का साइज बड़ा करके थोड़ा सा पुल करेंगे इधर बाहर की तरफ ग्रैब करके समथिंग इतना ऐसा। और चलो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्मूथ करके सॉरी बाय प्रेसिंग शिफ्ट देन मेक दिस स्मूथर। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका शेप जो रिक्वायर्ड है वैसा मैं रखते जाता हूँ, थोड़ा सा ऐसा शेप में, देन दिस मच टॉप से जाके देखो किधर से एग्जैक्टली इसका नीड है वैसा हम एडजस्ट करेंगे समथिंग इस टाइप से। अब बढ़ाते जाओ आगे का टेक्निक, तो जितना भी लगता है कि ये एग्जैक्टली मुझे रखना है ऐसा सेट में वो मैं करूँगा। देन लो अभी नोज के ऊपर हम जाते हैं कि अगर इसका नोज देखा जाए तो आप अलग अलग स्ट्रिप ब्रश यूज करके यहाँ पे क्ले बिल्डअप के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो नोज होंगे और माउथ होगी, तो माउथ का शेप को हम रखते हैं कि ये शेप इस टाइप से इसका माउथ ऐसे आके और माउथ इस टाइप का हमें शेप रखना है यहाँ पे माउथ के लिए समथिंग। इसको मेंटेन करो, थोड़ा सा फनीएस्ट कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नॉट बहुत ये नहीं होगा, मतलब एक एक फन लेवल का मैं क्रिएटिविटी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर समथिंग। इसको थोड़ा सा और फिलअप करने के बाद और इस एरिया में थोड़ा सा स्मूथ करते हुए जाओ जितना रिक्वायर्ड है उसके ऊपर समथिंग ऐसा। सो एक्चुअली यहाँ पे जो शेप्स होगा पिक पे होगा बिल्कुल मौत का यहाँ पे समथिंग ऐसा। हम यहाँ से अगर हम कटआउट करें इसका मौत का कि यहाँ से इसका मौत शुरू होता है, और तो यहाँ से कट लेने के बाद इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ओ सॉरी नॉट रेडियस स्ट्रेंथ, देन थोड़ा सा ब्रश का साइज एक्जैक्टली। और यहाँ से अगर आप देखते हो कि यहाँ से मौत शुरू होगा समथिंग, यहाँ से इस टाइप से, एंड इसी को अगर मैं और बारीकी से कट करता जाऊँ इसको, सो हमारा ऐसा एक फेस का कटिंग बनेगा। और ये जो हम ब्रश का इधर का थोड़ा सा स्मूथ करते हुए यहाँ से थोड़ा सा इसको स्मूथ करते हुए यहाँ पे आप आ जाओ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रशेस लो। जैसे ये लिया हमने इनफ्लाइट ब्रश, तो थोड़ा सा इनफ्लाइट में करता हूँ कि ये जो इसके जो लिप्स है और ये लिप्स पूरा जाके ऊपर तक जाएंगे कुछ ऐसा समथिंग ऐसा। और अपर लिप्स का भी एक शेप आ जाएगा आपको नीचे की तरफ। थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं अगर बाय प्रेसिंग एफ किए इसका थोड़ा सा ऊपर का पार्ट डेवलप होगा ऐसे समथिंग्स। एंड इसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ और कम रखो और धीरे धीरे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना
अभी मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलीगन है उसके हिसाब से ही मैं इसका डिटेल करूंगा, और जैसे जैसे पॉलीगन एक्सपेक्टेशन में बढ़ाता जाऊंगा और डिटेल भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको अगर मैं देखता हूँ कि ये इसका जो फेस का थोड़ा सा जो शेप होगा कुछ ऐसा होगा, और इसके हिसाब से चलो लगभग लमसम मैं ये रखता हूँ, ये शेप नॉर्मली इतना पे रहेगा जैसा। चलिए तो अब नोज का कटिंग के लिए सिंपल आप ये क्रीज ब्रश लो और ट्राई करो नोज एंड आईज का जो कटिंग होगा। तो चलिए पहले तो मैं लो पॉली में जितना मैं कर पाता हूँ उतना करता हूँ, फिर मैं पॉलीगन बढ़ा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ ना, अंडू करो, थोड़ा सा ब्रश का साइज और छोटा रखना पड़ेगा। और यहाँ से अगर हम देख पाते हैं कि इसका जो नोज है, इवन आप एक काम करो, थोड़ा सा जो ये कट हम लगा के रखते हैं कि ये नोस्टिल्स का ये वाला पार्ट ऐसे कट होके आएंगे इस टाइप से, और नोस्टिल्स वाला एरिया ये रहेगा अपना। सो ऐसा कुछ मेंटेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा सब के लिए, ये एक्चुअली कट आउट हो गए। और ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ाते हुए आप धीरे धीरे स्मूथ का लेवल कम कर दो स्ट्रेंथ का, और धीरे धीरे आप इसको मेंटेन करो ऐसे समथिंग, तो एक लेवल तक हमारा एक शेप बन रहा है। बट जो नोज होंगे एक्चुअली नोज को हम निकालते हैं यहाँ से, थोड़ा सा बहुत ही फनी बनाने का है, तो नोज के लिए हम यहाँ से इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए मैं नोज का बनाता हूँ यहाँ से, कि ये नोज का जो सेल्स है कुछ यहाँ से ऐसा, एंड जस्ट मेंटेन लाइक दिस की नोज एक्चुअली शेप जो होंगे वो हमें बनाना है कुछ ऐसा। तो सामने से भी आप देखोगे थोड़ा सा इसका बीच का जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मिलाओ समथिंग, थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको जितने परफेक्ट करके ले जाओ यहाँ से ऐसा फ्रॉम यहाँ। तो बाकी का जो नोज है ये भी थोड़ा सा उसके रिलेटेड इतना जाएंगे इस मच, और जब मैं स्मूथ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्मूथ स्ट्रेंथ कम करके इसको स्मूथ करूँगा लाइक दिस। ऐसा कुछ हम एक बेसिक शेप बनाते जाते हैं। तो जो भी ये नोज बना है यहाँ पे अगर आप इसे स्मूथ करो, थोड़ा सा फ्लैटन करो इस नीचे का पार्ट को कुछ ऐसा, एक लेवल तक हम इसे थोड़ा सा, एंड जो भी हम पुश एंड पुल करते हैं इसको थोड़ा सा नोज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यहाँ से ऐसा शेप में समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ मेंटेन करेंगे समथिंग यहां से, एंड इस एंगल में से धीरे इसको स्मूथ करेंगे। तो चलिए एक फनी स्टॉप्स में बना रहा हूँ फनी टाइप का, तो जैसे फनी जैसा दिखना भी चाहिए, तो जस्ट टाइट कुछ हद तक हमारा एक लेवल आता है ऐसा। सो नाउ इसे सिलेक्टेड इनफैक्ट टूल को थोड़ा सा ब्रश का कम और करेंगे, और कंट्रोल होल्ड ऑन करके इसको बस यहाँ पे होल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इस टूल का स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, और धीरे सॉरी कंट्रोल प्रेस करके इसको ज़्यादा प्रेस करके इसको लेके जाओ अंदर तक।
कुछ इस टाइप से मैं इसको सेट कर लिया है यहाँ पे, मैंने स्मूथ प्रेस कर भी थोड़ा गोल करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप का शेप बना। थोड़ा सा आप इसको और सेट करना चाहते हो अपने हिसाब से तो डू दैट, अदरवाइज अब आगे जाएंगे। तो अब इतना ही बेसिक कट्स पे मैं देखता हूँ कि इसका आई का अगर बना पाए तो चलो। यहाँ पे एक लेयर भी है जिसको आप यूज करके एक लेयर जैसा यहाँ पे शेप क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे ये क्ले स्ट्रिप से ही हम काम चला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस, ये यहाँ तक जाएगा और इसको हम शिफ्ट प्रेस करके मिलाने की कोशिश करते हैं। तो बाय प्रेसिंग शिफ्ट इसका जो वैल्यू है थोड़ा सा अब बढ़ा सकते हैं एंड ट्राई टू मेंटेन दिस। तो इस टाइप से आप अगर मेंटेन करते हो, और आईज का ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट है आई थिंक दिस वट, ये थोड़ा सा आईज का ऊपर का शेप हम बनाना शुरू कर रहे हैं समथिंग ऐसा। एंड नीचे का जो पार्ट हुआ यहां से आप कट करोगे कुछ ऐसा, और ये पार्ट तो बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, तो ताकि हमारा आईज यहाँ पे प्रॉपर बने इस जगह पे, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे एक काम अगर हम करें कि इसके इन बिटवीन एक स्फेयर लगा दें, और उस स्फेयर को लेके हम काम शुरू करें कि उसके हिसाब से इसका जो शेप्स होंगे, इवन आप ज्यादा हो गया नीचे एफ प्रेस करके ब्रश का साइज छोटा करके, इसका स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, आप ऐसे कट करके ले जाओ जितना एरिया में हमें आईज का बॉल होगा उतना एरिया में हम ऐसे कुछ कटिंग कर लेते हैं कुछ समथिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आईज कैरेक्टर का कैसा बनाना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितना इसको कट आउट करके अंदर कर दो, जिससे आप फिर अच्छे से एक बॉल लेंगे यहाँ आई का स्फेयर, और इसको कोशिश करेंगे अंदर की तरफ ले जाने का कुछ ऐसा। सो ऐसा हो गया। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लेते हैं एक आई बॉल, नाक मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, बट चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे ये सब जो ज्यादा डेप्थ आ रहा है इस पे आप इसको फिलिंग करके थोड़ा सा बराबर कर सकते हो, सॉरी दिस सेलेक्टेड, इसको थोड़ा सा फिलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। सो डू दैट, थोड़ी सी फिलिंग यहाँ पे कर देते हैं, या आप इसे ले लो इससे फिलिंग कर लो समथिंग, और इसको स्मूथ करके बराबर कर सकते हैं। अब देखो ये जो चिक बोन अगर देखा जाए एक्चुअल, सो इट वुड बी चिक बोन, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, दिस इज द चिक बोन समथिंग, ऐसा मिलाते हैं यहाँ पे चिक बोन के लिए। और यहाँ से ओके यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक ले लो समथिंग, और इसको मेंटेन कर लेता हूँ मैं एक बार स्मूथ करके सब एरिया में ऐसा। मुझे यहां तक ऐसा लेवल बन जाता है, इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हुए इन सबको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके सो अभी मैं एक चीज देख रहा हूं कि मौत को थोड़ा सा और एग्जेजरेट करेंगे, इतना बनने के बाद रिफ्रेश करो यहां से थोड़ा सा, एंड दिस विल जस्ट विल गो, मौत को थोड़ा सा और फनीस्ट हम बना सकते हैं इसके हिसाब से ऐसा कुछ। ऐसे ज्यादा हो गया इतना लगभग। बाकी को इन सबको स्मूथ करते हुए, तो चलो ये ऑलमोस्ट इस टाइप से बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको
थोड़ा सा स्मूथर करते हुए, इतना पॉलीगन में हम एक बेस बनाया अभी, और उसके बाद हमारा डिटेल की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी लगता है कि अल्टीमेट हमें जैसा रिक्वायर्ड था लाइक डिटेल का, वो हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एंड थोड़ा सा ऐसे मिला लो इनको इस वे में, एंड थोड़ा सा ऐसे मिलाते हैं इस वे में, समथिंग ऐसा। एंड देन शिफ्ट प्रेस करके धीरे धीरे इसको मेंटेन करो, समथिंग ऐसा, जितना स्मूथ हो पाता है। प्लस इसमें ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ा के इसका हम थोड़ा सा और स्प्रेड करते हैं इस नोस्टिल्स वाले पार्ट को, कुछ ऐसा लाइक दिस वन, ऐसा, और थोड़ा सा स्मूथ करके ऐसा हम रखते हैं, समथिंग ऐसा। तो ये हो गया आपका कुछ इस टाइप का शेप्स। देन इसको मेंटेन कर दो एक बार एक लेवल में, सो अनडू एंड इसे कम करके स्मूथ कर दो। जस्ट फाइनली इट हैपन, नोज का एक बेस शेप हमने बना लिया कुछ ऐसा। ओके, ये सब भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अलग अलग ब्रशेज है, जैसे हम पिंच करते हैं यहाँ पे, तो पिंच करके अगर मैं इसको लेके जाता हूँ थोड़ा सा इस लेवल पे कि इसका जो लिप्स होंगे कुछ ऐसा, और लोअर लिप्स का जो शेप होगा कुछ ऐसा शेप में जाएगा, समथिंग यहाँ से ये। तो ये ऑलमोस्ट जितना लो पॉली में हम बना पाते हैं, फिर हम डिटेल वहीं तक रखेंगे, उसके बाद का डिटेल आगे हमारा डिवीजन बढ़ाने के बाद होगी। तो चलिए ये मिलाओ थोड़ा सा अंदर की तरफ, समथिंग इतना। एंड यहाँ से अगर आप जूम करोगे कि ये जो शेप बनेंगे इसका लिप्स के लिए, और ऐसे जाएंगे, ऐसे हम इसको मिलाते हैं कुछ, एंड बेसिकली ऊपर का चेहरा ऐसा यहाँ से आएंगे इतना। सो आगे का जो ये शेप्स पे थोड़ा सा ब्रश का साइज हम कंट्रोल करते हुए, अगर यहाँ पे क्लियर भरता हूँ कुछ इस शेप में, समथिंग ऐसा, और इन सबको मेंटेन कर लो एक बार। तो सिंपली ये हमारा लिप्स का एक लेवल यहाँ से बन रहा है, और ओके ठीक ऐसा। देन तो बाकी का जो डिटेल करने के लिए, अभी आईज का मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आईज के लिए क्या करना है। इसके लिए आप जाओ ऑब्जेक्ट मोड पे, और यहाँ पे आप एक स्फेयर लोगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट ए, एंड यहाँ पे लेंगे यूवी स्फेयर, और यूवी स्फेयर को स्केल करूँगा मैं, थोड़ा सा मूव करूँगा, और इस एंगल में जाके थोड़ा सा मूव करके लेके जाऊँगा यहाँ। देन बाय प्रेसिंग आर और रोटेट कर दो फ्रंट में, ऐसे लेके आ जाओ, समथिंग ऐसा। देन अगेन स्केल डाउन बाय प्रेसिंग जी, और इसको आप इसके इनसाइड रखो, एग्जैक्टली ये आईबॉल बनेंगे। तो ये आईबॉल लगाने के बाद बहुत बड़ा आपको चीज़ समझ में आएगा यहाँ पे, कि इसका आईबॉल जैसा होना चाहिए उसके हिसाब से राउंडिटी नहीं है, तो भी हम मेंटेन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। सो बेटर होगा थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लो इसको, साइज को, आईबॉल को, और देन आप एक जगह पे सेट करो कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके आउटलाइन जो बनेंगे वो हम बना लेंगे, तो हमारा एक जस्ट आईज का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा।
तो चलिए फिर से आप इन दोनों को सिमिट्रिकल कर लो, ये जो बना रहे हैं सिमिट्रिकल करने के लिए आप सिंपल आप पहले तो इसको शिफ्ट कंट्रोल टू प्रेस करके इसको स्मूथ कर लो, और राइट क्लिक करके इसको स्मूथ शेडेड करके आप जाइए स्फीयर सेलेक्टेड, यहाँ पे मिरर करो, मिरर के लिए ये हेड रिस्पॉन्स होगा सेंटर, ये दे दिया, और हम मेन मेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्कल्प पे जाएंगे और देन स्टार्ट करेंगे स्कल्पिंग। तो ऑलरेडी हमारा सिमिट्रिकल ऑन है, स्ट्रिप लेंगे यहाँ से स्ट्रिप क्ले स्ट्रिप्स को, और ट्राई टू मेक लाइक इसके ऊपर ये चलाओ, इसके ऊपर हमें लेके जाना है और इसके बराबर रखना है, मतलब ज़्यादा हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे समथिंग ऐसा, तो इसके बराबर हो गया, इसको थोड़ा सा मेंटेन करो, जस्ट डू दिस इस टाइप से इसको मेंटेन कीजिए, जहाँ पे ये थोड़ा सा इनसाइड जाना चाहिए तो मूव लेंगे यहाँ पे ब्रश का साइज बिगर करके जो और बड़ा कर लो, और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको मेंटेन करने की कोशिश कर लेते हैं कुछ इतना जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, देन ये यहाँ से राउंडिटी होगी कुछ ऐसा शेप में, तो आप ऐसे थोड़ा सा शेप करो, और ऊपर में अगर हम देखें इस पार्ट में तो इट शुड गो लाइक, और ये भी अंदर की तरफ जाएगा यहाँ से राउंडिटी के लिए, सो वेरी इजी टू हैंडल एवरीथिंग। सो आप अगर इसको अच्छे से पकड़ते हो तो आप देखोगे कि आपका सब चीज़ का कंट्रोल्स प्रॉपर वे में जाते हैं, और मोस्टली हम यूज करते हैं इसका ब्रश, ये पुश ब्रश पुल ब्रश, ये हमारा बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो चलिए जैसे आपको कंफर्ट लगता है उसके हिसाब से आप काम करो, मैं सब चीज़ बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो कंफर्ट लेवल होता है वो ही करना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, अभी इसका अगर आप कटिंग करोगे लाइक इसको थोड़ा सा ब्रश का साइज स्मॉलर करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे लाइक, और जितना भी लो पॉली में एग्जैक्टली है वो हम इसको ऐसे कट करने की कोशिश करेंगे, और इसको मिला लेते हैं वह कुछ इतना पे। सो एक बेसिकली आपका एक शेप, एक डिजर्व शेप आपको मिलेगा, और इसको थोड़ा सा मेंटेन करते जाओ एक, सो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होती है ऑलवेज, ये जस्ट आर्ट है तो वो करना ही पड़ेगा हमें उसके हिसाब से, समथिंग ऐसा हम हिलाते जाएंगे। ओके थोड़ा सा आप इसको अगर बाहर की तरफ कंट्रोल प्रेस करके कर लो क्रीज टूल से, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ हम ऐसे डिक करके जा सकते हैं, और इसको सॉरी इसको हम बाय प्रेसिंग एफ देन स्ट्रेंथ कम करो इसका, ठीक है, और इसको स्मूथ कर लिए थोड़ा सा ऐसा। सो आप देखो यहाँ पे ऐसा मिल रहा है, यहाँ से जो ये शेप्स जा रहे हैं ये स्ट्रिप लेके थोड़ा सा आपको यहाँ तक सॉरी यहाँ तक भरना है इसके बराबर लाइक यहाँ से, और लेके आओ यहाँ देन इसको मेंटेन करो, इसे थोड़ा सा बढ़ा के इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, एंड ब्रश का साइज मेंटेन करते हुए यहाँ से आप इसको मिला लो, सो इट्स हैपी, ये ऐसा हो गया। इस लेवल में जाके अगर हम थोड़ा सा मिला पाते हैं इसका शेप को कि एग्जैक्टली ए राउंडेड शेप, एक राउंड एकदम होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे हम थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे, तो आप जितना मेंटेन करोगे उतना ज़्यादा आप इसका यूज़ करोगे, और ओवरऑल जो हेड है इसके मैं ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हेड इस एंगल पे जाना चाहिए यहाँ से, एंड थोड़ा सा मेंटेन करना है ऐसा, तो ये तो चलो बाद का चीज़ है, हम इसको मिलाते रहेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से, इट्स नॉट इशू, बट अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसका आगे का थोड़ा सा और पार्ट को ठीक करना। तो इतना पॉलीगन में हम जितना बना पाते हैं वो हम एक बेसिक शेप दे दिए अभी तक, अब नेक्स्ट मैं इसका नेक का थोड़ा सा पार्ट को निकालने जा रहा हूँ, और फिर आगे हम ऐसे कंटिन्यू स्कल्प करते रहेंगे, तो आप वीडियो देखते रहो वॉच करते रहो, और मैं थोड़ा सा
उतना सुपर फास्ट नहीं, लेकिन बिना कमेंट्री का मैं आपको ये वीडियो को आगे मैं जारी रखूंगा, और आप इसको देखते रहो, सीखते रहो और इंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे और मोटिवेट मिले काम करने के लिए मोटिवेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप आगे देखते रहिए, फिर मिलते हैं, ओके। Thank you.